बिटुआ कि हम 10 दिन तुम्हारे बिना ले चले चलो। तुम भी चलेगा केदारनाथ? हाँ। केदारनाथ चलेगा मेरा बेटा? भोला बाबा। हर हर महादेव। हम केदारनाथ जा रहे हैं, तुम भी चलेगा? हाँ। बेटुआ भी जाएगा मेरा केदारनाथ? बोलो भोले बाबा। हर हर महादेव। किस तरीके से सारा सामान बिखरा पड़ा है, बस इसमें से सेलेक्ट कर रहा हूँ और सारे कपड़े ये बैग लेके जा रहा हूँ। तो थोड़ा छोटा सा बैग है और इसको पैकिंग करके गाड़ी में रखने में बड़ी सुविधा होती है। ये फाइनली हमारा पैकिंग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ रौनक और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल चुकी है। और मेरे से पहले जो लोग मेरे से पहले जगे हैं वो क्या कर रहे हैं मैं ये दिखाऊं, क्योंकि इस सफर में जो हम लोग 9 लोग जा रहे हैं, पूरी 9 लोग, और पूरे 9 लोगों की तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो देखिए हमारे भाई साहब हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए रास्ते के लिए बनाया जा रहा है, ये हो गया सत्तू, ये हो गया लिट्टी, ये देखिए आटा गूंथा जा रहा है। तो अभी लिट्टी का जो बनाने का कार्यक्रम हो रहा है, मैं अगर दिखाऊं आपको किचन में भी तो कुछ बन रहा है देखिए, क्योंकि रास्ते में घर का अगर खाना हो तो सबसे बेहतर है। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। क्या है? चना की घुगनी। चना का घुगनी। और इधर देखिए लिट्टी, इसको छाना जा रहा है और चाय भी चढ़ा हुआ है कुछ। ये देखिए लिट्टी बन के तैयार हो चुका है। सारा सामान जो है इसमें हमने बर्तन रखा है और इसमें भी बहुत सारे चीजें खाने पीने वाली है। देखिए हम लोगों ने गाड़ी में ये रख दिया गैस सिलेंडर छोटा वाला, इसमें चूल्हा है, इस बोरे में कस के रखे हैं। कुछ बर्तन भी हो गया और भी बर्तन है जो कि एक बैग में रखा हुआ है। देखिए हमारी जो धन्नो है फिर से सज्ज है केदारनाथ जाने के लिए। आ गए सब लोग। दोस्तों मैंने जो अपना मीटर है बिल्कुल 0 कर दिया है और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। समय जो है अभी 7:47, हम लोग निकल रहे हैं पटना से। और दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर देख सकते हैं 32 डिग्री है। सबसे देर करने वाले इंसान हमारे बीच आ चुके हैं। ये धन्नो है हमारी, धन्नो जाने के लिए सज है। और एक दूसरी गाड़ी भी है जिसमें भी सामान एकदम पैक हो चुका है। हम लोग की जो अब यात्रा है अब शुरू हो रही है और सभी लोग हमारे गाड़ी के सारे मेंबर लोग आ चुके हैं। संतोष भैया भाभी हैं और पीछे मास्टर साहब है, एक आदमी और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और बाबा से हम आग्रह करेंगे कि हमारे जो भी व्यूअर हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, बाबा सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ की जय। पटना को बाय बाय और हम लोग अब निकल रहे हैं बाबा केदार के लिए, बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन। दानापुर से आरा बक्सर होते हुए हम लोग पूर्वांचल लेंगे। हमारा जो अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 9 बज रहे और हमारे पैसेंजर लोगों का देखिए गजब, सुबह के 9 बज रहे और सभी लोग सो रहे हैं। दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। ये जो हाईवे है आपको बक्सर तक जाएगा, अभी पटना तक बन रहा है, बना नहीं है, कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है बक्सर तक ये कम्प्लीट हो चुका है। ये सोन नदी का ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जिसको कोइलवर बोलते हैं, पहले कोइलवर पुल था। तो दोस्तों बिहार का सबसे खूबसूरत जिला और दबंग जिला जो है आरा हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि आरा जैसा कि आप सभी जानते हैं कितना फेमस है और कितना दबंग जिला है आरा का, ऐसा नहीं बोलना है, तो आरा सबसे फेमस जिला है। आरा जिला के मशहूर गायक पवन सिंह भी है, वो भी फेमस है। आरा जिला का मशहूर जो गाना है लॉलीपॉप लागेलू, पूरा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में 3रे स्थान पे बजाया जाता है। क्या बात करती है, आरा जिला इतना महान है। वीर कुंवर सिंह जो थे वो आरा के थे, तो आरा जिला तो महान है ही है। और हम लोग का भी जिला जो घर है वो आरा जिला ही है, वीर कुंवर सिंह के खानदान से। एक नए और हमारे भाई जुड़ गए हैं हम लोग के टीम में, बिहिया से ये स्थान ग्रहण कर चुके हैं अरविंद भैया। ठीक है देखिए लिट्टी निकल चुका है हम लोग का और सब ये सब हमारे भाभी जी का योगदान है। बड़ा ही सुबह सुबह उठ के देखा आपने किस तरीके से, देखिए हम
अच्छा तो उसका भी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा कौन बना रहा था क्या कर रहा था। ये दूसरा टोल टैक्स है, हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे टोल टैक्स पे जो कि बक्सर से पहले है, लगभग 10 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे 95 रुपीज हम लोग का टोल टैक्स लगेगा। सामने में ही है ये भी जो 4999 जो गाड़ी दिख रही है, ये भी हम लोग के साथ में है। तो विश्वामित्र के नगरी बक्सर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बक्सर, और बक्सर का ये गोलंबर है, हालांकि थोड़ा सा रॉन्ग साइड से हम लोग आ गए हैं, और बक्सर के गोलंबर से फिर ये देखिए हम लोग अब यहाँ से गंगा माँ के ब्रिज के ऊपर आएंगे। फाइनली बिहार हम लोग छोड़ रहे हैं, बिहार को बाय बाय, अब हम लोग उत्तर प्रदेश में इंटर होंगे। तो यहाँ से बिहार की जो सीमा है गंगा माँ क्रॉस करने की, नदी क्रॉस करने के बाद बिहार की सीमा समाप्त हो जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए माँ गंगे की। तो देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में इंटर कर चुके हैं, प्रदेश का एंट्री द्वार यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग को इसी रोड पे दिक्कत होगा, जो 15 से 20 किलोमीटर का सफर होगा इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, सिंगल रोड है और बहुत सारे ट्रक है, बालू लदे हुए ट्रक आते जाते। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। दोस्तों हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर चुके हैं, और 340 किलोमीटर का ये हमारा खूबसूरत सुहाना सा सफर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पहला टोल टैक्स है, जो कि लगभग 675 रुपए का होता है। 340 किलोमीटर का ये लंबा हाईवे है। दोस्तों टोल टैक्स में फ्रेश होने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, आप कभी भी इधर से जाओ तो यहाँ टोल टैक्स पे आप रुक के फ्रेश हो सकते हो। हम लोग फ्रेश वगैरह होने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अपने गंतव्य। टेम्परेचर है अभी का बता रहा है 40 डिग्री, 286 किलोमीटर लखनऊ की दूरी बची हुई है। समय जो है अभी 12:12 हो गया। वह तो गाड़ी हमने पार्क किया और यहीं पे अब हम लोग कुछ जलपान करेंगे। समय तो हो गया 12:30 का, यही चना का सब्जी हम लोग का। खाली हम लोग गलती से छोड़ दिए हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा हाथ में ही लेके खाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग थम्सअप भी ले लिए, कुछ ठंडा गरम पीते हुए चलेंगे हम लोग, और थोड़ा सा परिवर्तन होगा हम लोग के ड्राइविंग में। संतोष भैया है, वो बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा मैं भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मजे ले ले। तो चलो भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो लेके चलेंगे, लखनऊ के बाद फिर मैं ड्राइविंग सीट पे आऊंगा। देखिए गर्मी इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा बाहर क्या निकले हम लोग, बिल्कुल एकदम पसीने पसीने हो गए, बड़ी तेज गर्मी है। और टेम्परेचर बहुत हाई है। तो दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो खूबसूरती है ना, वो रात को देखने में आती है। तो हाईवे पे ही बहुत सारे पेट्रोल पंप है, देखिए पेट्रोल पंप पे आ गए हैं हम लोग, और 95.64 रुपए पेट्रोल का रेट दिखा रहे हैं यहाँ का। कहाँ देख लिया? अच्छा हाँ देख रहा है। डीजल 88.89 रुपए। चलिए यहाँ पे हवा ले लेना है और टायर में प्रेशर चेक करवा लेना है, बस पेट्रोल देना है। पेट्रोल डालिए, ये अब सोच रहे हैं धनु का भी टंकी फुल किया जाए। ये देखिए अपना भी टंकी फुल कर रहे हैं संतोष भैया लगे हुए हैं। इतनी गर्म हवा चल रही है कि बाहर निकलने के बाद पूरा बदन लग रहा है कि जल जाएगा, हम लोग आग में चल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, ये लास्ट टोल टैक्स से देख रहे हैं आप, और सुबह 8 बजे हम लोग निकले थे, अभी 4:20 कम है और हम लोग लखनऊ है। तो मोटा मोटी 4 बजे तक हम लोग लखनऊ में होंगे, और लखनऊ से जो फिर हमारी यात्रा है वो शुरू होगी मुरादाबाद के लिए। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं फैजाबाद रोड पे, यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे। दोस्तों यहाँ से सीतापुर की जो दूरी है 80 किलोमीटर है। अभी तक तो हम लोग लखनऊ में ही टहल रहे हैं, और समय जो है 5:30 बज गया है। देखिए थोड़ा सा और समय लगता है लगेगा लखनऊ से हम लोग को बाहर निकलने में। देखिए बाहर तो हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं, और संतोष भैया को लग गया है लखनऊ से सीतापुर के बीच में ये दूसरा टोल टैक्स मिला हम लोग को। और दोस्तों हमारा जो प्लान है, प्लान ये है, यहाँ क्या टोल टैक्स है 55 रुपए, और प्लान हमारा ये हुआ है कि हम लोग आज रात में ना मुरादाबाद रुकने का प्लान कर रहे हैं, हमारे मित्र रहते हैं वहाँ। लेकिन आज रात्रि का जो है हम लोग 12 बजे तक ये है कि वहाँ पहुँचे मुरादाबाद, और मुरादाबाद में स्टे करेंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर, NH30 है और शाहजहांपुर का बाईपास रोड है। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है,
लाइटिंग भी जबरदस्त है और गाड़ी उछल जा रही है कहीं कहीं, ये भी दिक्कत है भैया, इसलिए बराबर आराम से चलना। हम लोग की गाड़ी ज्यादा हाई स्पीड में थी 100 के आसपास, तो उछल गई एकदम 1-2 फीट ऊपर। कोई बात नहीं, ड्राइवर अच्छा है, आपको ध्यान ये सब चीजों पे देने की जरूरत नहीं है। सब दोस्तों देखिए, हम लोग सीतापुर से तो आगे निकले हैं, लेकिन ये रोड जो है ना बहुत जगह बंद है, बंद बंद बता रहे हैं, तो रूट परिवर्तन करके जाना पड़ रहा है। जैसे ये देखिए फ्लाईओवर का यहाँ बंद है, पीछे भी अभी हम लोग को करीब घूमना पड़ा, जो क्या है कि बीच में रास्ता बहुत खराब है, कहीं कहीं बंद कर दिया, तो लूप लाइन लेके हम लोग जा रहे हैं। देखिए सिंगल रास्ता है और सिंगल रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ ले जाएगा, कैसा है। फाइनली दोस्तों हम लोग गिरते पड़ते उठते फिरते हाईवे के ऊपर आ चुके हैं और पुनः हमारी जो यात्रा है वो मुरादाबाद के लिए शुरू हो चुकी है। दोस्तों हम लोग जो है शाहजहांपुर से पहले रुके हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि गुलाब जामुन, मशहूर गुलाब जामुन, तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन खाते हैं हम लोग, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा। अरे बाबा इत लोग तो लग गया है लगता है गुलाब जामुन खाने में, बाबा ओहो। तो यहाँ का गुलाब जामुन हम लोग खाएंगे और चाय पियेंगे, ये रहा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अगर इस रास्ते से आप जाइए तो जरूर खाइएगा, बड़ा स्वादिष्ट है, हम नहीं खाए हैं, भैया बता रहे हैं कि बड़ी स्वादिष्ट है। राजबाब तो गाइस हम लोग शाहजहांपुर पहुंचने वाले हैं कुछ ही पलों में। बरेली की जो दूरी है अब 89 किलोमीटर और बच गया है, मुरादाबाद की जो दूरी है 179 किलोमीटर। तो हमारे टीम में कैसे भी मेंबर हैं और बाबा के दीवाने हैं जिनका कल मैरिज एनिवर्सरी है और पहला मैरिज एनिवर्सरी है, शर्मा रहे पहला मैरिज एनिवर्सरी है और बाबा के दर्शन मात्र के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर छोड़ कर बोला कि एनिवर्सरी नहीं, मैं हारे को नहीं त्यागे, वाइफ को त्यागे नहीं है, और धांगनी होती है उसको हम लोग कैसे त्याग सकते हैं, हमारे जीवन में उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, जैसे माता पिता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बीवी किसी के भी हो प्यारी होती है, सबके लिए प्यारी है वो, बीवी किसी का भी हो प्यार तब तक करो कोई ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन बाबा से भी इतना लगाव है इनको कि इन्होंने सब कुछ ये एक तरफ और बाबा का दर्शन एक तरफ, तो इनका मैरिज एनिवर्सरी है ठीक 12:00 के। निकलिए निकलिए, कहाँ गए जी, पीछे वाले को दिखाइए इधर, मुंडी आने करो, मुंडी आगे कीजिए, मुंडी आगे कीजिए, शर्मा रहे थोड़ा सा, शर्माते हैं, शर्मा रहे हैं। दोस्तों बरेली की दूरी जो है 51 किलोमीटर और बच गया है, और बरेली के बाद और बढ़िया रोड मिलेगा इसे 4 लेन। तो हम लोग बरेली पहुंच चुके हैं और अगर लेफ्ट में हम लोग सीधा जाते हैं तो हम लोग सीधा बरेली शहर में चले जाएंगे, लेकिन हमें शहर आप देख रहे हैं कि जो बाईपास बना हुआ है सभी शहरों को बाहर ही लेके जा रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, अगर यहाँ से हम राइट जाते हैं तो राइट आपका हो जाएगा रामपुर शहर। दोस्तों फाइनली हम लोग मुरादाबाद पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में आपका स्वागत है, हम पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह चौक, ये मुरादाबाद का चौधरी चरण सिंह चौक है और इसी के करीब में रहते हैं हमारे मित्र जिनके घर पे हम लोग को जाना है, और बड़ा ही बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंचे और पहुंचने के लिए एक्साइटेड है। तो ये कुछ ही पलों में हम लोग उनके पास में होंगे, थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिला था हम लोग को, लेकिन कॉलोनी का रास्ता है तो थोड़ा बहुत ख़राब मिलता है। अंकेश भाई के घर पर पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच गए अंकेश भाई के पास, और चलिए मिलते हैं मिस्टर अंकेश। हमारी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, देखिए सामने में है, वो भी कुछ ही पलों में हम लोग के पास आ जाएगी। पटना से मुरादाबाद का है जो 875 किलोमीटर का हमने सफर तय किया है और समय जो लगा 15 घंटा 13 मिनट। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और समय जो हो रहा है 1:00 हो चुके हैं। फाइनली हमारा ये जो आज का ब्लॉग है यहाँ पे समाप्त होता है और हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। पहला दिन का जो हमारा ट्रिप रहा लगभग 875 किलोमीटर का हमने रनिंग एक दिन में तय किया, वो भी थोड़ा सा विलम्ब होने की वजह से, जैसे कि पटना से हम लोग 8:00, लेकिन अगर पटना से आपको निकलना हो सुबह 6:00 निकलिए, ट्रैफिक कम मिलेगा, बाकी सारा स्मूथ रहेगा। उसके बाद हमने जो एक गलती क्या किया कि हमने लखनऊ को ना
जो सिटी के अंदर से ले लिया। आप कभी भी आओगे मुरादाबाद के लिए तो लखनऊ बाईपास करके आओगे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आना है। तो 875 किलोमीटर का सफर हमारा तय हुआ। रात को 1:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं, मतलब 17 घंटा लग गया हम लोग का। लेकिन अगर यही हम लोग सुबह 6 बजे निकले होते तो 2-3-4 घंटे आराम से हमारे बच जाते। तो मिलते हैं दोस्तों अगला ब्लॉग में, आपको मिलेगा कि यहां से हम लोग केदारनाथ कैसे पहुंचते हैं उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आप पूरे बने रहिए, सीरीज को देखिए, पार्ट बाय पार्ट करके मैं सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज फाइनली आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मुरादाबाद टू केदारनाथ ट्रिप पे। बाय बाय, गुड नाइट मित्रों।